हेलो एवरीवन, वेलकम टू गोल्डीज टेस्टफुल किचन। आज हम पत्ता गोभी का पराठा बनाएंगे। पराठे का आटा लगाना मैंने आपको बता रखा है। अजवाइन नमक डालकर मैंने सिंपल आटा लगाया है। ये थोड़ा बस सॉफ्ट लगाना है, गीला होना चाहिए आटा, बहुत टाइट नहीं होना चाहिए, तो गीला आटा होना चाहिए। ये पत्ता गोभी है कटा हुआ, इसको मैं थोड़ा ना मिक्सी में दरदरा पीस लूँगी पल्स मोड पे, ठीक है। इसी में एक हरी मिर्च डाल दूँगी और थोड़ा सा धनिया। ये देखिए, ये ऐसे थोड़ा पल्स मोड पे बिना पानी के हमने पीस लिया है और इसको हल्का सा ना ऐसे निचोड़ लेंगे हम पानी इसका। और ये वाला पानी में आप आटा लगा सकते हैं। मैंने आज आटा आपको पहले दिखाया, अदरवाइज मैं इसी पानी में ना आटा लगा लेती हूँ। तो इसको निचोड़ लेंगे हम सारे मिश्रण को इस तरह से सूखा। तो ये देखिए, कुछ इस तरह का मिश्रण ये हो गया है ना। हरा धनिया भी है इसमें, हरी मिर्ची भी है। इसमें हम डालेंगे प्याज, एक छोटा प्याज कटा हुआ। उसके बाद हम इसमें डालेंगे नमक स्वाद के अनुसार, थोड़ा मैं इसमें काला नमक भी डालूंगी। मसाले आप कम ज्यादा ना अपने टेस्ट के हिसाब से कर सकते हैं। भुना जीरा पाउडर का भी फ्लेवर इसमें बहुत अच्छा आता है। ये भुना जीरा है। इसके बाद हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा कुटा हुआ धनिया, 1/4 टीस्पून के करीब, थोड़ा मोटा कुटा हुआ धनिया। ये है काली मिर्ची पाउडर 2 पिंच, इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है। और लास्ट में हम डालेंगे इसमें चाट मसाला। और बस इस समय ना हम इसको टेस्ट करके देख लेंगे, ठीक है ना। चाहे तो आप थोड़े चिली फ्लेक्स डाल सकते हैं, ऑप्शनल है। ये देखिए, मिश्रण हमने टेस्ट करके देख लिया है, बिल्कुल परफेक्ट है। और ये हमने सूखा आटा लिया है, आटा भी रखे हुए काफी टाइम हो गया है। गीला आटा थोड़ी देर रख देंगे ना तो ये बहुत अच्छा आटा बनकर लोच वाला तैयार हो जाता है। तो सबसे पहले हम इसमें से एक लोई तोड़ेंगे। जितना भी बड़ा आपको पराठा बनाना है ना, उतनी ही बड़ी आप लोई ले सकते हैं, ठीक है। इसमें सूखा आटा लगाएंगे और इसको थोड़ा सा बेलेंगे। और इतना बेलने के बाद ना फिर इसके अंदर ये मिश्रण भरेंगे यहां से। ये मैंने पहले थोड़ा ही बनाकर आपको दिखाया है। मसाले आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। इस तरह से हम इसको फिल कर लेंगे और इसको ना यहाँ से बहुत ज़्यादा नहीं दबाएंगे, नहीं तो बीच में ना आटा बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो वो हमें नहीं चाहिए, ठीक है। चारों तरफ से ऐसे पैक करते हुए ना हम इसको लेंगे। और आप यहाँ देखिए, यहाँ ना हमें आटा बहुत ज़्यादा नहीं करना है, इसलिए उतना ही दबाइए, ठीक है, ताकि ये ना बीच में से मोटा ना हो। और इसको ऐसे प्रेस कर देंगे, फिर इसको थोड़ा सा हाथ से ऐसे बढ़ाएंगे। आप चाहें तो चकले पे रख के भी बढ़ा सकते हैं, उससे क्या है इवनली स्प्रेड होता है जो मिक्सचर होता है ना। सूखा आटा लगाएंगे इसमें और इसको हल्के हाथ से बेलेंगे, ठीक है ना, बिल्कुल हल्के हाथ से। अगर आटा हम गीला लगाते हैं ना, ढीला लगाते हैं, तो फिर वो अच्छे से फिल हो जाता है उसमें मसाला। ये देखिए बन रहा है ना अच्छे से। तो आप बिल्कुल हल्के हाथ से चारों तरफ से ऐसे करते हुए, हमने बिल्कुल इसको ना मोटा ना पतला ऐसे बेला है। छोटा ही पराठा हमने ये बनाया है और इसको हम तवा ऑलरेडी हमने गर्म होने रख दिया है, इस पे हम इस तरह से डाल देंगे। दूसरा पराठा भी हम इस तरह से बेलना शुरू करेंगे। मतलब बहुत आसान और बहुत अच्छे लगते हैं। इसमें भुने जीरे का फ्लेवर तो इतना अच्छा लगता है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। और नमक ना आप तभी डालिए जब आप पराठा बनाना शुरू करें, बिल्कुल, नहीं तो क्या है ये पानी छोड़ देगा। और जब हम इसी के आटे से पानी लगाते हैं ना, तो वो भी हरा हरा आटा अच्छा लगता है। आज मुझे आपको दिखाना था, इसलिए मैंने पहले से ही आटा लगा लिया था।
ये पराठा तब तक हम इधर से चेक कर लेते हैं। देखिए, अगर हम स्लो गैस पे ऐसे रखेंगे ना तो बहुत अच्छे से क्रिस्पी हो जाएगा और चिपकेगा भी नहीं। तो इधर से सिकता है तब तक हम वो पराठा बेल लेते हैं अपना। सूखे आटे में हमने डस्ट कर लिया है, इसको हम चारों तरफ से ऐसे कर देंगे। ये क्या है, थोड़ा हमने बड़ा पराठा बनाया है। एक मैंने आपको छोटा बना के बताया है, एक मैं बड़ा बना के बता रही हूँ। बस हल्के हाथ से आपको बेलन चलाना है। मैं आपको पूरी अच्छे से दिखाऊं, हल्के हाथ से मतलब चारों तरफ से आपको ऐसे करते हुए, ये जो है ना किनारे वो बराबर आना चाहिए। ये देखिए, बीच में से भी मोटा ना हो और साइडों से भी, तो बराबर आना चाहिए। और इस तरह से आप इसको बना लीजिए हल्के हाथ से चलाते हुए, कोई मुश्किल नहीं है। अगर आप बीच में आटा ज्यादा करेंगे ना तो यहाँ कच्चा कच्चा लगेगा, बीच में आटा ज्यादा हो जाएगा। तो आप इक्वली ऐसे बेलन चलाते हुए अच्छे से पराठे बना सकते हैं। अब हम ना इस पराठे पर घी लगाएंगे। मैं ये घी में सेक रही हूँ, आप ऑयल में जिसमें भी सेकना चाहें सेक सकते हैं। आप इसी घी ना रोटी बना के भी खा सकते हैं। अगर आप पराठा नहीं पसंद करते हैं तो रोटी बना के भी खा सकते हैं। ये देखिए, इधर से भी बहुत अच्छे से सिक गया है। धीमी आंच पे हमने सेका है तो काफी क्रिस्पी है। सॉफ्ट खाना चाहते हैं तो थोड़ा सा मीडियम फ्लेम पर उसको जल्दी जल्दी उलट पलट के सेक सकते हैं, बट जो क्रिस्पी खाना चाहते हैं वो स्लो टू मीडियम फ्लेम पर सेकें। घी आप कम ज्यादा अपनी मर्जी से कर सकते हैं। तो हम पराठे को सिकने देते हैं। देखिए आ रहा है ना क्रिस्पी, कलर कितना अच्छा आया है आप देख सकते हैं। और ये देखिए कितना बढ़िया पराठा है, आवाज आप सुन रहे हैं ना कितना क्रिस्पी है। और मैं आपको इसको पास से दिखाऊं, बहुत ही बढ़िया सिका है। तो एक और पराठा सेक लेते हैं। इसको भी हम घी लगा के सेक लेते हैं। देखिए, और ये लोहे के तवे पर ही मैं बना रही हूँ जिस पे हम डेली रोटी बनाते हैं, ऐसा कोई चिपकता नहीं है पराठा। देखिए दोनों तरफ से जब ऐसे निशान हो जाए ना तब आप पराठे पर घी लगाइए। और बस इसको प्रेस कर करके सेक लीजिए। मैं आपको बता रही हूँ सर्दी में आप ये चीजें जरूर खाइए, एक्सरसाइज करिए, फिट रहिए, है ना। तो इसको हम चारों तरफ से ऐसे करते हुए सेक लेंगे। देखिए फूल रहा है पराठा, और ये देखिए कितना बढ़िया क्रिस्पी पराठा सिक कर तैयार है। ये मैंने तीन इतने मिश्रण में तीन पराठे बना लिए हैं, और ये आपको दिखाऊं पास से। ये देखिए है ना मजेदार क्रिस्पी। तो करते हैं इनकी प्लेटिंग। और ये देखिए, मैं आपको यहां दिखाऊं पराठा कितने अच्छे से अंदर तक फिल है। देखिए, तो इस पर हम रखेंगे व्हाइट बटर, बटर के साथ खाएंगे। अचार ले सकते हैं, दही ले सकते हैं, हरी चटनी के साथ एंजॉय कर सकते हैं। और एक पराठा मैंने और बनाया है जिसको मैं कट करके आपको दिखा रही हूं अभी। ये देखिए, इस तरह से ना इसमें सारे पराठे में आपको फिलिंग दिखेगी। गरम है ऐसे, देखिए सारे पराठे के अंदर फिलिंग है। तो जरूर इस तरह से मेरी तरह से ट्राई कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।